आइए आज के मुख्य यजमान सपत्नी अगर यहाँ बना रहे हैं तो कृपया मंच पर पहुंचे। आज के यजमान सिंह मंच पर पहुंचे। भागवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आज अविरत तृतीय दिवस के प्रवाह है। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच में पूज्य व्यास जी महाराज व्यास पंच पर आसीन हो चुके हैं। भगवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम शुक्ला कर्म विचार सार ब्रह्मा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयनाम जानंद गारापाम हस्ते स्फाटिक मालिका विल्लदिं पद्मासने सस्थितां वंदे तां परमेश्वरि भगवते बुद्धि प्रदां शारदां अक्षर ब्रह्मणे नमः श्री सरस्वत्यै नमः भागवत महापुराणाय नमः सर्वोपचाराणि ग्रन्थाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य वस्त्रस्य पुटे शयानौ पादं मुकुन्दौ मनसस्वामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीबालकृष्णाय नमो वाङ्मयमूर्तये नमः सर्वोपचाराणि पुष्पपुष्पाद्यां समर्पयामि मार्यादीनसुवन्दिनी मार्यत्यादिभ्यो मयार्दानुष्पाणि पूजाष्टप्रतिदीयतां पुष्पपुष्पाद्यां समर्पयामि धूपं दीपं दस्यामि हस्तोचारकं नैवेद्यम् ॐ नाभ्यासीनन्तरिषं श्रेष्ठोऽज्ञो समोर्तदाभ्यां भूभिर्दिशासोत्रान्तालोकानगमेन्नो नैवेद्यान्तियास्मियं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ताम्बूलवस्त्रं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भहर्षमोर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेका सीता सदा धारुतिव्यव्यापुते मां तस्मै देवाय हरिगां श्री सदगुरु चरणकमलेभ्यो
ज्ञानमय
नारी रस में कल्प वांछा करो श्री प्रभाकर महापुराण सप्ताह सत्र और सप्ताह सत्र का द्वितीय दिवस उपस्थित सभी आचार्य इंद्रों को मेरा प्रणाम, वाद्य यंत्रों पर बैठे आचार्य लोगों को मेरा प्रणाम, मूल पाठ करती आचार्य जी को मेरा प्रणाम, संत बिंद माति सशक्तिकरण सभी माताओं के चरणों में मेरा साधुवाद प्रणाम, ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई बहन सब दोस्तों से साधुवाद प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना। शास्त्र कहता है कि संसार ना अशार है और कब बीत जाता है पता ही नहीं, हमारी आयु कब इतने वर्ष के हम हो गए ये पता ही नहीं चलता। और भागवत जी तो कह रही हैं असारी संसारी विषय विषय संघा कुल धिया क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा किमर्थं व्यर्थं भो व्रजथ कुपते उत्सिते कथे परीक्षित साक्षी तक्षणात् गत मुक्ति युक्ति कथने। क्षणार्धम एक क्षण के लिए और क्षेमार्थम उस सप्ताह यदि में एक क्षण जाकर भी भाव से क्षेमार्धम कल्याण हो सकता है गारंटी ले ली। और क्या क्या सुनना है सुध सुख गाथा तुल कुल दिया जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जो कथा दी है उसको सुनना है। और कह रहे किमर्थम व्यर्थम हो ब्रजथ कुपते कुत्सित कथे मतलब अन्य रस्तों में जाने का क्या फायदा, कुमार्ग में जाने का क्या फायदा। इसलिए इस कथा के साक्षात परीक्षित साक्षी हैं कि जिनको कथा ने मुक्ति दी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो सभी लोगों ने कल आपने क्या सुना था भक्ति ज्ञान वैराग्य जी का प्रसंग आपने सुना और गोकर्ण गीता क्या सुनी थी गोकर्ण गीता और प्रथम दिन भक्ति प्रसंग ही क्यों है स्पष्ट शब्दों में है जब तक भक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रथम दिन भक्ति का हमको सद्मार्ग क्यों दिया जा रहा है सत्कथा हमको क्यों सुनाई दे रही है क्यों सुनाई जा रही है इसलिए कि हमें सात दिनों में भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त हो। ये ज्ञान लेके है ना और ज्ञान कैसे आया ज्ञान देखो यदि पढ़ने के बाद ज्ञान आया तो उसका पतन हो सकता है। बोलिए राधे राधे। पढ़ने के बाद यदि भक्ति आएगी तो पतन हो सकता है तो यदि अंदर से भक्ति आ गई तो पतन नहीं हो सकता। भक्ति से ज्ञान प्रकट होगा तो पतन नहीं होगा और ज्ञान से भक्ति प्रकट होगी तो पतन होने का कारण होगा कि मैं ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ ज्ञान का पतन। अच्छा भक्ति पर चलना क्या है भक्ति मार्ग में चलना और रेत पर चलना जैसे हम रेत पर चले 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 जहां गिरे तो वहीं स्थिर हो जाए और ज्ञान मार्ग में चलना है पत्थर पर चलना
यानी व्यक्ति का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। तीन लोगों का बहुत जल्दी पतन होता है, ध्यान रखना। ज्ञानी का, धनवान का और तीसरा बहुत जल्दी गीता गिरी में बहुत जल्दी इंसान पतित हो जाता है, गिर जाता है। कब? जब वो लोकतंत्र की भाषा को नहीं समझते। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम तो है ही हैं। हमारा तो जीवन 7 दिन, हम तो कहते जीवन भर बस भगवान के लिए बोलने की और अन्य भाषाओं अन्य शब्दों का प्रयोग ही ना करें, हमारी चिंता। तो इसलिए आइए आज हम अब भागवत जी में प्रवेश करेंगे। भागवत जी का प्रथम स्कंध में हम प्रवेश करेंगे। कल हमने महात्म्य सुना और उससे पूर्व हम अपने मन वाणी चित्त 10 इंद्रियां 11वां मन सबको भगवान के चरणों में लगाएं। तो आइए वृंदावन धाम के साथ साथ केदारनाथ धाम के साथ साथ अपने मन वाणी को भगवान के में। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे 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 भोले नमः शिवाय।
तक्ष
लक्षणा निगम कल्प तरोर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम बोलिए भागवत महापुराण की। वेदव्यास ने तीन श्लोकों में मंगलाचरण बोला है, कितने श्लोकों में? तीन श्लोक। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगल कामना। आज हमारे पहाड़ में कई बार जब घर में उत्सव होते हैं तो मंगलाचरण तो होता है, मंगल गीत। पर वेद व्यास ने वेद रूपी भाषा में मंगल गीत दिया, आप लौकिक भाषा में मंगल गीत करते हैं। और वही गोस्वामी जी ने भी उनका मंगलाचरण किया है कि मैं मंगल भगवान की कथा बोलने से पहले पहले मैं मंगलाचरण करता हूँ। बहुत बार मंगलाचरण हुआ है। अभी तो सुखदेव भगवान भी मंगलाचरण भागवत जी के द्वितीय स्कंद में द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में जाकर मंगलाचरण करते हैं कि तब मैं बोल पाऊंगा ये कथा। ये साधारण नहीं है, ये विषय बहुत कठिन है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने लिखा है कि सत्यम परम धीमहि। सरल शब्दों में कह दें कि हम सत्य को प्रणाम करते हैं। और आप लोगों को ये इतना भी समझ आएगा तो होता है कि हम सत्य को प्रणाम करते हैं। किसकी कथा सुन रहे हैं? सत्य की। और सत्य की परिभाषा आपने कल सुनी थी, क्या सत्य है, कौन है ये सत्य। और यहाँ सोनका जी इसी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु ये सत्य। आजकल तो हम इंग्लिश वाले हो गए ना, पहाड़ छोड़ गए हिंदी छोड़ गए इंग्लिश। तो तुम्हें नंदी तुम्हें कभी व्हाट इज सत्य या व्हाट इज दिस सत्य, क्या गलत उन्होंने क्या परिभाषा दे रहे सत्य होगी हिंदी। देखो सबसे बीच मेन चीज है ना कि यदि हमें थोड़ा सा कभी कभी कड़वाहट सुननी पड़े ना सुन लो, यदि इसमें कल्याण होता हो तो हम अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी भूले जा रहे हैं। आप ध्यान रख रहे हैं, देख लो और आगे आगे कितना इसका वो बढ़ता रहेगा ये आप जान नहीं सकते। और सबसे बड़ा विद्यालय जो है ना वो घर है। अब आज ट्यूशन दे रहे हैं हम पहाड़ी भाषा सीख लो, अरे घर हम बोले लो, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। भोजन करके आए हो कि व्रत करके? किसका किसका व्रत है? हाथ खड़े करो, आज का नहीं पूरे भागवत के लिए हाथ खड़े करो, किसी का नहीं। तब हम भगवान ने देखो प्यार क्यों नहीं हुआ, जो तू ठुल भक्त हम सब तो कुछ है ना, ये दिन ले लेना आज सब मार ले सी। तो चलिए जो भी है हम सत्य भगवान को प्रणाम। पर सत्य पूछी यहाँ यदि कहते वेदव्यास जी तो कृष्णम सत्यम परम धीमहि स्पष्ट कर देते, और दूसरा लिख सकते थे रामम या राम या शिव, पर क्या लिखा है सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या? ध्यान। हम ध्यान करते हैं किनका? सत्य का। पर फिर मन में बात आती है सत्य है कौन, इस सत्य की व्याख्या क्या है। तो बोला वो सत्य कौन है, जन्मादिस्य तो नवयादि तरतस्चार्थि स्वभिज्ञा स्वराज। वो सत्य है जो जन्म भी दे रहे हैं
और पालन भी कर रहे हैं और संभाल भी कर रहे हैं। अब आप ये लगा ले कौन कर रहा है, आपको अर्थात क्या मिल रहा है, हमको जन्म देने वाला कौन है, हमारा पालन हारण कौन है और हमारा संहार करता कौन है। ये तीनों एक ही है पर समय समय पर अपनी उपाधि अपनी पद का प्रयोग करते हैं। जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारा पालन करते हैं, वही हमारा वही संहार करता है। ऐसा क्या कर सकते हैं, जन्मदाता पालन करता और संहार करता वही है, पर कौन है? सारथी स्वविज्ञा स्वराट। स्वराट कौन? स्वराट गुरुदेव बोलते थे कि स्वेन राजति स्वराट, जिनका अपना एक प्रकाश है, जिनकी अपनी एक सत्ता है। और वो कौन है? क्या हमारी सत्ता है? हमारी सत्ता है, हम सत्य हैं। अच्छा बोलिए, हम सत्य हैं। कौन सत्य है? कौन है सत्य? भगवान, जिसको किस नाम से संबोधन किया है? सत्य नाम से। और पूरा समझ नाम कृष्ण। और बतामी आगे करनी क्या? तीनी ब्रह्म हृदयाय आदि कवये, जिनके बारे में पढ़कर सोचकर सुनकर आदि कवि। आदि कवि कौन? ब्रह्मा जी, वो भी मोहित हो गए। आप और हमारी मोहित, हम तो उसके दीवाने हैं, छोड़ो उसके दीवाने वो भी हैं। कौन ही है? ये सत्य उदाहरण बोला। ऊपर बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हो और नीचे रेतली भूमि है, कभी कभी वो भी लगता है कि वो चमकती हुई जली तो नहीं है भाई, कहीं पानी तो नहीं चमका। ये भान है, इनकी ये कारण है, हम इसमें देखते हैं ऐसा भान देखते हैं, पर उनकी सत्ता है। जिस प्रकार कभी कभी हमें एक रस्सी की भी होती है कहीं पर और अंधेरे में जाते हैं, वो उनको सर्व भान, हमको ऐसा भान होता है, ऐसा हम सोचते हैं पर होता नहीं, होती वो रस्सी है। मृषा है तो तीनों में एक, कभी कभी हमें महान होता पर तीन एक ही रूप में है। भाई देखो, अग्नि जल वायु जो भी है, भगवान से तो उनकी उत्पत्ति भी है, किसी और चीज से तो, और भगवान ने इन चीजों का पान किया है, भागवत जी में शुद्ध किया है। धामना सेन सदा निरस्त मुहुकं, जो अपने तेज से निरस्त कुहक का मतलब, कुहक मतलब क्या है? कोहरा, अंधकार। अच्छा एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या होगा? यदि एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या होगा? वो कह रहे उसी प्रकार कह रहे हैं हाँ, कि जिनके जिनके अपने तेज से जिन्होंने पूरे संसार का अंधकार को दूर किया। आपके अंदर दया भी तभी आएगी जब आप भगवान की कथा सुनेंगे, आपके अंदर विवेक भी तभी जगेगा जब भगवान की आप कथा सुनेंगे, आपके अंदर सत्संग भी तभी जगेगा भगवान की कथा सुनेंगे, आपके अंदर प्रेम भी तभी जगेगा जब आप भगवान की कथा में जाएंगे, आपके अंदर प्यार भी तभी आएगा हर प्राणी के लिए जब भगवान की कथा में आप जाएंगे। क्योंकि भागवत जी बोलती हैं दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया। बिना कथा सुने तो
अपने तेज से कौन ये सत्य अपने तेज से संसार का अंधकार दूर करते वो सत्य पर सत्य कौन है सत्यम परम धीमहि ये सत्य कौन है बोला कृष्ण जी राम जी शिव जी एक ही है और ये संसार को देखो ये भी सत्य है कितनी बड़ी ताकत है मेरे पास कल हम बोल रहे थे आपको कि हम एक घर को नहीं देख पाते एक एक विकार माता बच्चे को नहीं संभाल पाते उसमें परेशान हो जाते हैं जगत के जो राष्ट्र के जो राजा हैं या राष्ट्र के या राज्य के हम उन पर प्रश्न दुनिया करने लग जाते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर कितनी बड़ी क्षमता है यही हमें धर्म और अधर्म देख न्याय आपका काम है धर्मराज दोनों तरफ थे महाभारत में पांडवों की तरफ भी थे और कौरवों की तरफ भी थे पर भागवत जी बोले कि कौरवों का पुण्य ही क्षीण हो गया अब राजा विदुर जी चले बोलिए राधे राधे और वही धर्मराज पांडवों की तरफ भी थे युधिष्ठिर जी थे दोनों तरफ और वही धर्म वही यमराज इसलिए आपको सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि बढ़ा आपको किस समय कैसा उत्तर देना है कैसा अपना परीक्षा पास करनी है वो आपका विषय है आपके सामने आएंगी कई बार ऐसी ऐसी विषय आपके कि क्या करूं हम किधर जाएं और आपके अंदर दोनों चीजें धर्म भी है अधर्म भी है सुमति भी है कुमति भी है निर्णय आपका तो ऐसे सत्य भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं बोलिए भागवत महापुराण की दूसरा भी मंगलाचरण ही है दूसरा श्लोक भी मैंने तीनों श्लोक एक साथ बोले ये भी मंगलाचरण है पर ये पुरुषार्थ चतुर्विध धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्भुज प्रसाद सिद्धि द्वारा वो इसमें घटित होता है इसमें धर्म प्रोजित कैतवपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां ये किन लोगों का विषय है विशेष अधिकारिश संबंधन प्रयोजन इस श्लोक में घटित होता है कि इसका विषय क्या है इसके अधिकारी कौन है इसका संबंध क्या है और इसका प्रयोजन क्या है इस कथा का धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम कैसा धर्म हो कैसे धर्म की स्थापना हो विषय क्या है पहले इस शब्द का अर्थ है विषय कैसे धर्म की स्थापना हो बोला धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो कैतव रहित अब थोड़ा कठिन हो गया तो आचार्य लोग कैतव है शब्द क्या कपट रहित कैतव शब्द का अर्थ क्या है कपट रहित और शास्त्र जी बोल रहे निर्मल मन जने सोही मोही पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छित
इनको भी मैं मसल सकती हूँ, बस तू मेरी शरण में आके तो दे, मेरी शरण में एक बार आ तो जा। कभी कभी मुझे बड़ा खास आते हैं, सामने बैठे थे, बड़ा अंदर से बड़ा रुदन हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग मतलब कैसी भावना रखते हैं, इसलिए कथा से भी हम नहीं सुधरे ना, हम कब सुधरेंगे। इसलिए जगाइए लोगों को, ये आपका काम। नारद जी ने जगाया सबको, जाग शिवधाम कल्याण करते हैं, शिव शब्द कल्याण के मैं कल्याण करते हैं। ताप त्रयोन मूलनम अनमूलनम, तीनों तापों को जड़ से मिटा देती हूँ, देहिक देविक भौतिक ताप। हाँ, कल आपने इस पर व्याख्या सुनी है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते वेदव्यासी लिख रहे हैं कि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जो इन पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, इस भाव को सोचेगा, तो तत्क्षण निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुखमुखाद हृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभा इसके पात्री हैं, दो बहुत करीबी बुला रसिको भूमि भाव का, रसिक और भाव दोनों का विषय। और जो रसिक होता है ना, वो धावंती रस लंपटा, वो दौड़ कर आता है, देखता नहीं वो आ रहा है यार। वो तो देखता नहीं है कि सखी आमी मिया माया को आमी है ना, मेरा मेरा जो संकल्प है भगवान के दर और भक्ति में जो छूटता छोड़ने दो छूट। नारद जी ने तो प्रभु अंत में कहा ये माँ भी किस प्रकार मेरी भक्ति में रुकावट बन रही है, ये भी नहीं कह सकता माँ के लिए हो जाए, पर अब भक्ति में रुकावट हो रही है तो आज कथा सुनोगे आप किस किस प्रकार भगवान की भक्ति में, नारद जी की भक्ति में माता भी यदि लगा की भक्ति में है तो क्या हुआ, सुनोगे आप। जो नहीं आता ना आप आओ, कल्याण आपका होना है, आप इस स्तर पर आओगे, जो आपको मिलना है वो आपको ही मिलना है। जिस प्रकार आपको कर्म खुद भोगना है ना, उसी प्रकार आपको अकर्म भी खुद भोगना है, धर्म भी खुद भोगना है, अधर्म भी आप मिलना है। कोई शांत नहीं होगा, शांत होगा तो कृष्ण होगा, गोविंद होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको समर्पण कर देना है। वेद रूपी वृक्ष पर, निगम शब्द का अर्थ क्या है, वेद निगम कल्प तरूर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष पर पका हुआ लगा, पका हुआ फल कौन, भागवत जी। वेद रूपी वृक्ष, वृक्षों का ये फल है हम लोगों के लिए। कल भी ये प्रश्न आया था कि वेद भी वही है, गीता भी वही है, फिर ऐसा क्या है कि भक्ति ज्ञान इसको सुनकर, ज्ञान वगैरह इसको सुनकर जागे, तो ये फल है, ये निचोड़ है, ये रस है, और यहाँ सब कुछ हर चीज का अर्थ, हर चीज की यहाँ जो आप मांगो कल को वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद हृत द्रव्य संयुतम संगादिश नगा प्रभु के लिए वेद रूपी वृक्ष है, तो इसको फल है तो इसको हम कैसे पिए, बोला पीने के लिए तो मुख का प्रयोग होगा या कानों का,
बोला इस ग्रंथ को पीने के लिए, इस फल को पीने के लिए आपको कर्ण पुटों का प्रयोग करना होगा। कानों के द्वारा सुनकर हृदय में उतारना होगा। बोला ये यहाँ लिख दिया, ये तो गलितम फलम, ये तो वेद रूपी वृक्ष पर पका हुआ फल है। और बोलो इसमें अमृत क्यों बोल दिया? फिर इसको बोला अमृत इसलिए बोल दिया कि सुखदेव भगवान ने इसमें अपनी चौंस लगा दी। कहते हैं लोक प्रसिद्ध में भी कि कोई पके हुए फल पर यदि तोता अपनी चौंस लगा दे तो और अमृत। तो यहाँ सुखदेव के लिए वेद अभ्यास जो भगवान के पुत्र हैं उनके लिए उन्होंने सुनाया है ना ग्रंथ। बोला और सुंदर हो गया हमारे पहाड़ में ये गलितम शब्द बोल दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या बोलेंगे गलितम? किसको बोलते हैं? व्याख्या गला हुआ पका हुआ तो नहीं, पर गलितम शब्द यहाँ बहुत रसिक के लिए बोला गया, रसदार। अमृत, अमृत भी है। पीबत भागवतम रसमालयम कथा भी है ना, रोज एक कथा छाया जो व्यास आई और शुरू किया पर कब है तक पियो? शास्त्र बोला है जब तक आलय ना हो जाए, लय ना हो जाए। किसका लय? संसार का लय हो या हमारा लय, तब तक सुनना है। और कब से सुनना? बोला जब से जन्म हुआ है, पहले सब श्लोक आ जाओ, जब से जन्म हुआ है और अंतिम तक पीते जाओ। कब तक? बार बार एक शब्द और दे दिया, मुहुर हो, मुहुर मुहुर शब्द जब भी आया है ग्रंथों में बार बार दिया है। मुहुर हो रसिका भूमि भाव का, जो रसिक लोग होते हैं, जो भाव लोग होते हैं वो तो रोज जाते फिर बताने भी शारण शारण कथा सुनने जो आज भी नहीं मिशा, ये सारे ग्रंथ नहीं मिशा। यहाँ 88,000 ऋषि स्वर्णवादी ऋषि क्या कर रहे हैं? बोला एक सत्र किसका? अस्य धर्मः कं शरणं गतः। ये छह प्रश्न, क्या 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 प्रश्न है? किं श्रेयः? स्वर्णवादी ऋषि कह रहे हैं कि हमको क्या ऐसा कल्याणकारी कर्म करना चाहिए, ये प्रश्न हमारा पहला है। कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। शास्त्र सारह का, कितने शास्त्र हैं और उनका शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न। सवतारा प्रयोजन, भगवान का अवतार क्यों होता है, तीसरा प्रश्न। और भगवान का अवतार होके प्रयोजन क्या है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, बोलिए, चौथा प्रश्न। और अवतार लेकर भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, ये हमारा पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न, धर्मम कम शरणं गतः, जब भगवान आपकी लीला पूरी शरण करके चलते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। इन छह प्रश्नों पर भागवत जी का आप 7 दिन तक उत्तर सुनेंगे। ये सबने प्रश्न किए, सूत जी स्वर्णादि का संवाद, सुखदेव राजा परिषद का संवाद, ध्रुव उद्धव मैत्री संवाद और मैत्री विदुर संवाद, युधिष्ठिर नारद संवाद, आपका हमारा संवाद। तो ये संवाद को आपने 7 दिन तक सुनना है और इनका उत्तर सूत जी कह रहे हैं मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं पहले अपने गुरु जी का ध्यान करूँ। सबके सदगुरु सबको प्रणाम, नहीं तो सबसे बड़े जगत गुरु उनको। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
हुआ तरास का भुला हुआ था मैं। सतगुरु तुम्हारे
दिखा दिया है सतगुरु तुम्हारे जान ने जीना सिखा दिया है सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले भागवत भगवान की जय भगवत प्रचार सेवा समिति और दुर्गा माता मंदिर समिति के सभी लोगों के द्वारा और इस क्षेत्र के सभी लोगों के द्वारा सुंदर आयोजन आपके सहयोग से ही चल रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति कोरोना काल के बाद अभी ये पहली कथा है। इससे पूर्व 2 साल पहले 2.5 साल पहले कथा इसी मंदिर में करी, उसके बाद पुनः कोरोना काल होने के चक्कर में कहीं कथा नहीं हो पाई। इस बार अब प्रारंभ हो पा रही है। बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति के अनेक सदस्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं और लगातार कथा चलेगी 13 तारीख तक, तो कोई ना कोई बीच में आते रहेंगे। आप सबके सहयोग से यह कथा हो पा रही है। आज भी हम लोगों को इस समिति को श्री दीपक पुरोहित जी ने 1500 रुपये प्रदान किए, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। उनके लड़के की आज नौकरी पहली नौकरी लगी है, इसके लिए भी जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। श्रीमती जानकी जोशी जी 500 रुपये प्रदान किए सीएकी के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। दुर्गा माता महिला कीर्तन मंडली के द्वारा भी सहयोग मिला 1100 रुपये का, जोरदार तालियों से सभी माताओं का अभिनंदन। श्री बंसीधर पांडे जी 101 रुपये आपने प्रदान किए सीएकी के लिए, जोरदार तालियां। पवन कुमार जी आपने 151 रुपये प्रदान किए हैं इस सुंदर आयोजन को, उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री रामनारायण सिंह जी 51 रुपये उन्हें प्रदान किए हैं, उनके भी जोरदार तालियां अभिनंदन। गुप्तदान 501 रुपये, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। पार्वती देवी जी 202 रुपये प्रदान किए सीएकी के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। रवि देवी जी आप सभी जानते हैं, रवि देवी जी बीजेपी के प्रत्याशी विधायक और गौ सेवक है, समाज सेवक है, हमारे बीच में भी आए थे लेकिन समय अभाव कम होने के कारण उनको जाना पड़ा। रवि देवी जी ने 501 रुपये प्रदान किए इस आयोजन के लिए। और आप सभी को बता, जितने भी कार्यक्रम विनोदनगर मंडावली इस क्षेत्र में होते हैं पड़गंज में, रवि देवी जी हर कार्यक्रम में पहुँचते हैं और अच्छे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां करें। श्रीमती पुष्पा रावत जी 501 रुपये, आपने भी इसी सुंदर यज्ञ के लिए प्रदान किया, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री लीलाधर पालीवाल जी आपने 1100 रुपये प्रदान किया, आपके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और भी अभी आज दूसरा ही दिन है कथा का, तो जितने माताएं जो भी जिससे आप सहयोग हो सकता हो, क्योंकि ये भागवत कथा किसी के पर्सनल नहीं, आप सबके सहयोग से और आप सबके कल्याण के लिए कथा हो रही है, तो जितना भी आपका इसमें आरती से लेकर पूजा से लेकर जो भी इसमें तन मन धन से आप सहयोग कर सकते हैं, आपका 1 रुपया भी अगर आरती में लग रहा है तो आप परमात्मा की सेवा में लग रहा है। यहाँ भी जो भी भंडारा चल रहा है, ब्राह्मण भोजन और सारी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सब उसी आपके सहयोग से ही संभव होगा। तो आपको जैसा समय मिले, सामने जोशी जी है, सामने कार्यालय सामने, आप संपर्क कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग सहयोग करें, प्राप्त करें। और जो लोग यजमान बनना चाहें, कल तृतीय दिवस है, परसों कन्हैया जी का जन्मोत्सव होगा बड़े धूमधाम से, उसके बाद तो उत्सव ही उत्सव है, तो आप लोग एक ना एक दिन अवश्य यजमान बने। यजमान बनने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं या जोशी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग तो यहीं आप संपर्क कर सकते हैं। आपके पतिदेव अगर ऑफिस जा रहे हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, तो आप अकेले भी आ सकते हैं, आप पूजा करा सकते हैं अपने परिवार के नाम से। बालकों का बर्थडे हुआ, आपके सारे ग्रह अवसर भी कराए हैं, किसी न किसी की तो होगी, तो कराई अवसर बार बार नहीं मिलता है। बड़े दिनों के बाद इसी प्रांगण में दुर्गा माता मंदिर के 2-2.5 साल बाद यज्ञ हो रहा है, तो ये ऐसा आयोजन और आनंद हमें बनाए। तो इसी के साथ बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति की आप जो लोग सदस्य भी बनना चाहें, तो आप आरती के बाद संपर्क कर लीजिएगा। सदस्य बन सकते हैं, इस संस्था से जुड़िए। वैसे तो विनोद नगर में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और एक से एक आयोजन। नारायण
ततो जय मुदीरये। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधो क्षजे अहितुकी प्रतिहतायात्मा संकृषीति। स्वामी ऋषियों से सूची कह रहे हैं, मैं इस कथा को बोलने से पहले अपने गुरुदेव की जगत गुरु की आज्ञा लूंगा तो मैं आपको ये बोल पाऊंगा। बहुत बड़ा विषय ये भगवान सुखदेव जी कह रहे। कौन है सुखदेव जी? भवानी शंकर संवाद पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। देवी माता ने कहा, प्रभु मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ। पर आपको हंकार देनी होगी, नहीं सो तो नहीं जाओगी? बोले नहीं नहीं प्रभु, उठी रहूंगी मैं। पीछे वाले तो देखे मेरे कुर्सी में नींद आ रही है, बैठे इसने बीच बीच में राधे राधे। हाँ यहाँ आती है ना, वो भी तुम्हारे साथ, वो भी आती है। कौन? निंद्रा देवी। सतरगी की नींद सोना नहीं है। पर प्रभु ने कहा, देवी एक काम करो, पहले आप कथा से जरा बाहर उठ के लेके आओ, कोई है तो नहीं? कितना गुरु रहस्य इस कथा में लगाइए, बाकी की कितनी बड़ी है। तो मतलब यहाँ तो ये होता है कि पात्री देवी की पात्री कौन है, इसका उपात्र होगा पैंट फूटी कशीनंद धरी वाला केवल। अरे बहुत है ना, जाओ राधे राधे। तो गई देवी बाहर गई, कोई पति आज्ञाकारी है, पति बताएं। देखा तो देवी ने देखा कि एक रेगुलेट अंडा था, कोई वो मतलब छोटा पक्षी भी नहीं था। तो देवी अंदर आई, बोला कोई नहीं है। तो देख रहे हैं, बोला कोई नहीं है। बोला ना ना, बोला एक बार फिर देख लो। फिर देवी जाती है, बोला कोई नहीं। बोला ठीक है, कहा कथा सुनो। अमर कथा का धारा प्रवाह, अब जब रस बहने लग गया तो पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद चलते रहे। देवी हुंकार बोलती रही, हाँ देवी, हाँ माता, हाँ हाँ माता, हाँ करती थी। और देवी को ग्यारहवें स्कंद में जाकर नींद आ गई। पर प्रभु ने देखा यार, मैं तो फिर भी हंकार तो चली जा रही है, स्कंद पूरे बारह हो गए। तो देवी को जब जगाया तो देवी तो सोई थी। बोला देवी आप सो रखी हो। बोला देवी ने प्रश्न कर दिया ना, कोई बताओ उद्धव और भगवान जी का प्रश्न कहाँ गया? उद्धव मैत्री प्रश्न कहाँ गया? उद्धव विदुर प्रश्न कहाँ गया? वो तो आपने सुनाया नहीं। उद्धव प्रश्न तो प्रेम प्रश्न है। बोला देवी मैंने तो पूरी कथा सुना दी। बोला सुन कौन रहा था? तो ये देवी हुंकार कौन कर रहा था? अंडा था वो एक रूप में, पक्षी रूप में, मतलब तोता रूप में हो गए। कई जगह आप देखेंगे तो कबूतर रूप में भी इसका वर्णन है, जो अमर कथा शिव पुराण के अंतर्गत यही है। तो अमर कथा ही भागवत ही, इसके अलावा कोई नहीं है, कोई अमर कथा नहीं, यही है। शिव भगवान को क्रोध आया, देवी ये तो किसी और ने सुनी है, तो भैया आपको गोपनीय रखनी थी कथा।
और जो भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाए कहाँ कैलाश में कथा चल रही थी और जाते 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 आगे से वो उड़ रहे हैं बाबू जी पीछे जो भगवान है और कहाँ पहुँच गए बद्री विशाल में और वहाँ वेदव व्यास जी की पत्नी प्रातः काल उठकर भाई देव बोले सुखदेव भगवान की पर भगवान तो जाते 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 पहुंच गए तो देवी पूछने लगी प्रभु आज क्या कारण हुआ क्या नाम दिलाने का इतने क्रोध में बोला कोई चोर आया ना तो कोई चोर नहीं आया कहा ये क्या हो गया ये तो बड़ी अजीब कथा हो गई मैं तो देख रहा हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है क्या करते बोले अपना अस्त्र शस्त्र लिया पुनः चले गए देवी ने पूछा बुलाओ तो चला गया जो भी था पर 12 वर्ष का गर्भ में रही सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक उन सुखदेव भगवान जी का यहाँ सूत जी ध्यान कर रहे हैं यम प्रवर्जन तमपि तमपि कृत्यम जो जब 12 वर्ष पहले तो बोला मैं जन्म ही नहीं लूंगा मैं बाहर ही नहीं आना चाहता माया में मैं रहना ही चाहता हाँ बोला यदि पिताजी आप कहते हो तो मुझे यदि भगवान कृष्ण आज्ञा देंगे तो मैं बाहर आऊंगा माया जाल में तो मैं नहीं आ रहा पिताजी की कहने पर बाहर आया और बाहर आते ही चल रही वो जो नाल थी उसको भी कंधे में रखा यज्ञों को भी समझ कर
और संसारिणां पुराणभूयम्। पूरे संसार में गोपनीय, अब गोपनीय कैसे, जो इससे मांगा आप यहां करके तो जाओ, अब आप लोग होने के बाद आप होते कार्य, नहीं तो मैं आपको बोलूंगा कि कथा सुनने से किसके किसके कार्य होकर आप अपने आप बोलने लग जाओ, सब हाथ खड़े कर दो। यहाँ हुआ हमारा काम, जब हमारा काम हुआ पर हम बोलते नहीं, जब होता है तो हमने किया, नहीं होते ये लोग, ये ले जो सामने बैठ रहे हो। पर भक्त तो दंड मार रहे भगवान कृष्ण ने नहीं, ये रोज जल चढ़ाओ जैसी शिव जी। एक भक्त वो दिन दिवाग में को छोड़ा, आज दिवाग हुआ क्यों ना भोर रहती हूँ, और एक रोज दंड मार रहे हैं पटेला पटेल शिवलिंग जाने के संबंधी पर डंडा डंड भगवान शिव जी कृष्ण वरदान मांग बोले क्यों प्रभु मैंने रोज तुमको डंडा मारा पर तुम आज यदि जी क्यों प्रकट होया। बोले यदि जी प्रकट हो तो भाव तो सा कम से कम तो जल चढ़ी से तो आए ना, इसलिए भाव बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसलिए ये जो सशक्तिकरण आप लोगों के द्वारा इस स्थापित हुआ है मूर्तियों में प्रत्यक्ष चलता है। कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कल्याणकारी व्यक्ति को अपना कल्याण चाहता हो उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है हमारा। मुला सवे पुंसां परु धर्मो यतो भक्तिर मधुक्षजे आहे दुखी प्रतिहतात्मा संप्रसीदति। हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कल्याण के लिए आहे दुखी, कोई हेतु नहीं, बिना हेतु कर्म करते जाओ। श्रेय का प्रश्न था कि श्रेय आपका क्या कल्याण के लिए क्या करें, बोला आलोक अहेतु की भाव से, निष्काम भाव से भगवान की कथा सुनो कल्याण अवश्य होगा। पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न क्या था, बोला दूसरा प्रश्न था कि शास्त्र कब, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं। बोला शास्त्र 6 पुराण 18 उपपुराण था, इनका सार क्या है, उत्तर दिया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। बोली अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मानोगे इन दो बातों को, आज मानोगे हाथ खड़े करो, कौन कौन मानेगा, सोच कर करना पहले, बदला करना पड़े सामने। अब क्या कथा सुनूंगा, राधे राधे डर लागे राधे, तो हम डर गए। शास्त्र कहो कि धीर धीर चीजों ध्यान दिया बस जीवन में, कल्याण मैं करूं नहीं कल्याण, परोपकार आयो पुण्य आयो, पर उपकार करो और पुण्य करो, तीसरा कुछ नहीं, बड़ा पाप तो आपको भी पीड़ित करेगा दूसरे को भी करेगा, तो ये दो बातों को आज आप ले जाओ यहाँ से प्रसाद मुख में। हमने आपको बार बार बोला, अब हमें ना कहना पड़ेगी कथा करो, आप लोगों को जाकर करना चाहिए कि बाल मुकुंद की कथा करो, जो सीधी हम आपके सामने आचार्य लोगों ने तो बीज बो दिया, अब चल देने का काम तो कर दो, और आपको फिर बताएगा हमारी शक्ति, मेरी माता है, मेरी बहन है, सब कुछ नहीं है हमारा, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें भी, फिर बोल रहे कोई स्वार्थ नहीं, मेरे से नाराज हो गए, मेरी क्षेत्र की मेरी माता है सभी नाराज हो गई, आप ही नहीं लिया क्यों अच्छे जिला में चले, ये जवाब दियो। इसलिए
ऐसी शक्ति हमें देते रहे तो हमारा प्रयोजन। बोला अवतार कितने हैं भगवान के? कोई 24 से भागवत जी में 26 अवतारों का वर्णन है, 24 का भी है और असंख्य का भी है, असंख्य का भी है। पर सूक्ष्म रूप में हम देख ले भगवान का पहला अवतार सनक्ष नंदन सनातन संत कुमार, दूसरा अवतार वारह अवतार, तीसरा अवतार जी रूप में अवतार, चौथा अवतार नारायण भगवान के रूप में अर्जुन और कृष्ण जी, कपिल भगवान अवतार, दत्तात्रेय अवतार, भगवान यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार, भगवान पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन भगवान अवतार, परशुराम अवतार, बलराम भगवान अवतार, श्री कृष्ण भगवान अवतार, बुद्ध भगवान अवतार, कल्कि अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, भगवान प्रत्यक्ष रामचंद्र जी है, लक्ष्मण जी, सब असंख्य तो है। पर शास्त्र विधि में भागवत जी में 24 और 26 क्योंकि हरि अवतार दो बार हुआ, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं कि क्यों 24 और क्यों 26? हरि अवतार दो बार हुआ भागवत जी में, एक बार गजेंद्र की रक्षा में और एक बार ध्रुव जी को दर्शन दिए, दो अवतार हरि अवतार है। और द्वादश स्कंद में हयग्रीव अवतार और हंस अवतार का भी वर्णन है, 26 अवतार और 24 भी अवतार का वर्णन है और असंख्य अवतार भी। बोले भागवत महापुराण की प्रयोजन क्या भगवान? फिर प्रश्न को भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान जन्म लेकर क्या करते हैं, यह हम जानना चाहते हैं। आप लोगों को बताइए भगवान क्यों अवतार लेते हैं?